यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। एआईसीसी ह्यूमन राइट्स की ओर से नवीन को श्रद्धांजलि दी गई। बीजापुर शहर के गांधी चौक में एआईसीसी ह्यूमन राइट्स की ओर से यूक्रेन और रशिया के जंग में इंडियन नवीन नामी स्टूडेंट की मौत को लेकर एआईसीसी ह्यूमन राइट्स की ओर से श्रद्धांजलि दी गई और केंद्र सरकार से नवीन के परिवार को परिहार और यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट को जल्द से जल्द इंडिया में लाने की मांग। इसी के चलते हमारे माध्यम से एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शब्बीर अहमद दलायत ने बात करके जानकारी दी। आज कर्नाटक के बीजापुर शहर में एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के तरफ से नवीन ज्ञानगौड़ का जो शहीद हुए हैं यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच में, वो हमना बहुत बड़ा अफसोस है हमें और हमारे देशवासियों को। और सरकार जितने भी 20,000 लोग अभी वहाँ पर हैं बोल के मीडिया से पता चल रहा है, और जल्द से जल्द हमारी केंद्र सरकार उनको सुरक्षित लाने का इंतजाम करे और उनको लाकर कर यहाँ उनकी एजुकेशन फ्री में कंटिन्यू करे, ये हमारी सरकार से मांग है। और नवीन ज्ञान गौडर को जो वहाँ मृत हुए हैं उनको भारत सरकार के तरफ से 10 करोड़ का मुआवजा दे, ये भी हमारी मांग है। और जितने भी हमारे लोग बहुत परेशान हैं, भूखे हैं, पैसे हैं, उनको दर दर भटक रहे हैं, वहाँ कौन भी उनका मदद करने वाला नहीं है, कहाँ भी वो लॉजों में कहाँ कहाँ भी हैं। जैसा हमें बीजापुर में खुद अपने शहर में रहो को लॉकडाउन में, जैसा ही लॉकडाउन हुआ घर के बाहर आने नहीं हो रहा था, तब हमारा कितनी तकलीफी खानी पीनी सोनी रहने के बारे में, तो हमारे देश से दूर उनकी क्या हालत हो रही है, हम सबको इसका दर्द है, एहसास है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उनको जल्द से जल्द हमारे भारत को लाकर उनको सुरक्षित करे। आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये आज नवीन ज्ञान गौड़ का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। हम सब उनके लिए भगवान से दुआ किए, उनके घर वालों को सब्र आता है और उनके घर वालों के दुख में हम सब शामिल हैं। आपका नाम सर? मैं शब्बीर ढलायत, एआईसीसी ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रेसिडेंट। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನವೀನ್ ಏನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ನವೀನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆತಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌ ಸಗರ್ಖೇಡ್, ಎಐಸಿಸಿ ಸಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. Thank you.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.